हेलो नमस्कार, वारिछुआ सैरी। अभी हम बेंगलोर एयरपोर्ट पे हैं, हम जम्मू जा रहे हैं। अभी रात के 4 बजे है, सुबह 6 बजे हमारी फ्लाइट है। काफ़ी देर बाद आज हम जम्मू जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे इंतज़ाम बहुत अच्छा है, मगर डर अभी भी नहीं जा रहा है। वो 3 महीने से हम सोच रहे थे हम जाएंगे जम्मू जाएंगे, तो मगर डर बहुत लग रहा था ट्रैवल करने से। तो आज हमने बहुत मुश्किल से कोशिश की, तो आज हम निकल ही गए। सब कुछ अच्छा हो। क्या खाना निकल? लाइट ही खाएंगे हम, चिकन खा लेते हैं, बर्गर। अब क्या खाएंगे? यहाँ पे हेल्दी ऑप्शंस भी है, बट हम नहीं खाते हैं। मैं मना किया, हम हमेशा रात को 4 बजे आए हैं या दिन में 4 बजे आए, हम हमेशा KFC का ही बर्गर खाते हैं यहाँ पे। चिकन मैकग्रिल ही बोलते उसको, नहीं क्या बोलते हैं? नहीं, चिकन जिंगर, यहाँ का चिकन जिंगर। मम्मी तो क्या मम्मी चिया सीड्स का ही मैंने लाए हैं ना, चिया सीड्स है ना मेरे पास, लाई है घर से। नहीं आप क्या करो, परहेजो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, तेरी डाइट का सवाल है, वो खाएगी नहीं खाएगी पक्का। तुझे KFC का वेज बर्गर अच्छा लगता है ना? वेज बर्गर अच्छा लगता है मुझे। तो क्या आप खाएगी नहीं खाएगी? कंट्रोल होता है, कंट्रोल। तो जैसे कि आपने देखा पूरा फैमिली जा रहा है, सो एक्चुअली वी आर गोइंग टू जम्मू। एक ही चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ वो है बेट्सी। अगर बेट्सी भी साथ में होती तो बहुत अच्छा लगता, बट सारा जो ये जो इंडियन फ्लाइट्स है, बहुत सारे तो डायरेक्टली मना कर देते हैं पेट्स को, और कुछ लोगों का फिर वो वेट का क्लॉज है। बट सीरियसली आई वॉन्टेड बेट्सी टू कम अलॉन्ग। वहाँ पे जो हमारा घर है जम्मू में, वहाँ पे थोड़ा लॉन है, वो थोड़ा घूमती, वहाँ मज़ा आता उसको। बट अनफॉर्चुनेटली यार इंडिया में ये सब सिस्टम अभी उतना अच्छे से बना नहीं है। एनीवेज वही एक चीज़ है जो मुझे थोड़ा सा ना हो रहा है, मेरे को बेट्सी की थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, मम्मी को भी याद आ रही है। मम्मी ऐसे बेट्सी के साथ बहुत ये करती रहती है, फुल ऑन उसको चिढ़ाती रहती है ये, मगर इसको भी बहुत याद आ रही है। और मुझे भी लगता है अगर हमने पहले प्लान बनाया होता हम ट्रेन में आ जाते, उसके लिए उतना कर सकते थे हम, है ना। जैसे शीतल ने भी किया है, शीतल आई है उसको पुणे से, वो पुणे से बॉम्बे आई कार में, फिर वो बॉम्बे से दिल्ली आई राजधानी में, वो फैसिलिटी है। नहीं कर सकते, बट बैंगलोर से डायरेक्ट ट्रेन जम्मू नहीं है, बैंगलोर से पहले दिल्ली, फिर वहाँ से फिर से ढूंढो एक और ट्रेन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैंने काफ़ी पहले छोड़ दिया है चिकन खाना, मीट खाना, नॉन वेज नहीं खाती हूँ मैं। मगर जब पहले मैंने देखा KFC जब आया, मेरा का बड़ा मन, मुझे बड़ा मन होता था, काश मैंने एक बार ट्राई किया होता, टेस्ट किया होता KFC का। मुझे लगता है शायद मैं नहीं छोड़ दी चिकन खाना। अच्छा होता है ये देख ही लगता है। आप देखो तो एक बार तो देखो। अभी हम जम्मू एयरपोर्ट पहुँचे और यहाँ पे कोविड टेस्ट हो रहे हैं सबके। तो अभी अपना 10 मिनट रुके हैं हम और आपको कोविड टेस्ट मिल जाता है, रैपिड टेस्ट है। तो ऐसा हुआ कि जो हमारी फ़्लाइट में सब लोग नेगेटिव आए, सबके सब लोग। और अगर आप यहाँ आ रहे हो और अगर आप पॉजिटिव भी हो, बट अगर आप अपने घर जा रहे हो तो ये कुछ बोलते नहीं है, बट हाँ अगर आप वैष्णो माता जा रहे हो या कहीं और घूमने जा रहे हो और आप नेगेटिव और आप पॉजिटिव आ गए, तब आपको क्या पता रोका जाए, ठीक है, ऐसा कुछ है। हाँ रुकना भी चाहिए, मम्मी बोलती रुकना भी चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप पॉजिटिव हो और ऐसी जगह पे जाते हो तो और फैलेगा। कह रहे हैं जाओ, सबका नेगेटिव है, जाओ जी जाओ, कर जाओ, सबका नेगेटिव है। हमारी फ्लाइट में सबका नेगेटिव है, पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्लाइट में सबका नेगेटिव है। लकी अस, हम ही नेगेटिव है ना उस फ्लाइट में से, हम लकी है। मम्मी है ही नेगेटिव इंसान।
Bend your ass again. Bend your ass again and do it, no? मम्मी कहाँ है तेरे पति? अभी आए नहीं, वो साइज संवारने में ज्यादा, वो ज्यादा घर को संवारने में लगे। मम्मी ने, मम्मी एक्सपेक्ट कर रही होगी कि जब वो एयरपोर्ट पे उतरेगी, और एक्चुअली आज डैड और मॉम एक साल के से भी ज़्यादा के बाद मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट एक साल के बाद मिल रहे हैं, तो मिलन प्यारा होना चाहिए, राइट? तो मम्मी को ऐसा लगा या मम्मी को ऐसा तो नहीं लगा कि यहाँ पे रोजेस बिखरे होंगे, डैडी वेट कर रहे होंगे बुके के साथ? रोज छोड़ भंवरा ही नहीं आया अभी तक। सही है, रोज छोड़ो भंवरा ही नहीं आया अभी तक। डैडी अभी लेट हो गए, अभी आएंगे थोड़ी देर में। तो हमने ऐसा किया, हमने उनको बोला आप दो गाड़ी लेके आओ, और एक गाड़ी में हम सब वापस जाएंगे और डैड किसी और के साथ दूसरी गाड़ी में, ताकि अगर क्या देर हो। आप दूसरी गाड़ी में जा रहे हो? बस ठीक है, कोविड नेगेटिव है, कोविड नेगेटिव। हमारी फ्लाइट अकेले थी जो पूरे नेगेटिव थे। ओके, अभी हम पहुंच गए जम्मू, अभी डैडी से मिले, और बट हम दूर से ही मिल रहे थे क्योंकि मैं भी नहीं मिले, दूर से ही मिले। क्या आप बोल? मेरे डैडी बहुत कमजोर हो गए हैं, पतले हो गए काफी ज्यादा। कैसा लगा इतने देर के बाद अपने पति को देख के? अच्छा लगा, और क्या। इकलौता पति। बहुत अजीब हो गया यार टाइम, मतलब इतने टाइम के बाद मिलने के बाद भी, मतलब सब डैडी का एक्चुअली बहुत मन कर रहा था कियान को हग करने का, साल से देखा नहीं है कियान को, बट बिकॉज ऑफ कोविड नहीं कर पाए। अभी हम घर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, फ्रेश होंगे, और फिर उसके बाद मिलेंगे, क्योंकि हम कोविड नेगेटिव भी आ चुके हैं, तो वो रिस्क ले लेंगे मिलने का, बट नहाने के बाद। पहुँच गए घर अपने, और मेरी दादी इधर ही कहीं होगी, बाहर निकलने की कोशिश कर रही होगी कि नहीं। पहले होती थी इधर ही, दरवाजे गेट पे ही खड़ी रहती थी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सपना जैसा लग रहा है। सच में देख रही हूँ मैं अपना घर। डैडी ने हमारे लिए, दैट इज वेरी क्यूट, नितिका के लिए चॉकलेट भी लाया होगा मेरे ख्याल से। और मुझे ये बहुत, और मेरे लिए दारू। कितना प्यारा कलर है। वो जो आप अंदर देख रहे हो, हाँ, ये जो आप अंदर देख रहे हो, ये मम्मी की गाड़ी है। मम्मी को अपनी गाड़ी का बहुत ऐसा होता है कि, मतलब शी इज़ स्टेइंग विद अस इन बैंगलोर, और मम्मी की गाड़ी बहुत बार यूज़ नहीं होती है, ऐसे रहती है, तो मम्मी को बुरा लगता है। मम्मी तेरी गाड़ी, मम्मी तेरी गाड़ी। हाँ देखो मेरी गाड़ी कहाँ, चाबी कहाँ। आगे देखो दूसरी गाड़ी भी आ गई। ओ भाई नमस्कार। डैडी ने कमरे को अच्छे से सजा के रखा हुआ है, तो हम इस कमरे में रहेंगे थोड़े टाइम के लिए, और हम नहाएंगे धोएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, फिर बाकियों से मिलेंगे, दादा दादी से, डैडी से, फिर मिलेंगे बाकी रिश्तेदारों से। मैं आपको इस वाले घर का भी एक टूर दूंगा, बट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? अभी हम थोड़ा तैयार होके फिर मिलते हैं। देख ले छत कैसे होते हैं। एक तो ये धूप से डरता है, ऐसा है, कभी कभी ऐसा लगता है वैम्पायर है। और दूसरा है, इसने छत पहली बार देखा। नंगे पैर मत ले जाओ। आजा आजा। क्या नंगे घूम रहे हो? मेरी शर्ट से तुम्हारा एक अच्छा मैच हो रहा है। अरे भैया हटे मान दो पा, हटे मान राजा, तुम्हारी ऐसे चीज छिपे, हटे मान राजा। जो ये रिश्ते होते हैं ना, मेरे ख्याल से जो दादा पोता वाला जो रिश्ता होता है ना, ये बाप बेटे के रिश्ते से भी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग और
प्यारा होता है, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। तू मानती है ऐसा निक्की? हाँ, मेरे दादाजी और मेरे भाई का भी बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, मैं मानती हूँ। मेरा मेरी दादी के साथ बहुत, मैं अपनी दादी के साथ सोती थी। एंड लड़की और उसके डैड का रिलेशन बहुत स्पेशल होता है, दैट इज़ वन थिंग फॉर श्योर। और बेटे और उसकी माँ का, जैसे मेरा और कियान का। कह रहे मुंह थोड़ा दूर ही रखो। कोविड ने क्या हालत कर दी, मुझे इतनी भूख लगी बट खाना नहीं दिया, काढ़ा पीने को दे दिया। कहा पहले काढ़ा पियो फिर उसके बाद ही खाना मिलेगा। मुझे मज़ा आ गया खाना खाने में, बहुत दिनों बाद मैं किसी और के हाथ का खाना खा रही हूँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा है। मैंने सोचा था मैंने बहुत खाना ले लिया, अब मैं ओवर राइस का वेट कर रही हूँ, नया राइस बनेगा और मैं खाऊंगी। क्या क्या है वो बताओ। हाँ देखो, हमने बनाई है, हमने नहीं, हमारे लिए बनाई गई है एक तो मांस चिकन और मटन रोगन जोश। वेज में भी कुछ कुछ है बट उसका हम मेंशन नहीं करना चाहते क्योंकि ना मस को क्या बोलते हैं, कीमा, मटन कीमा। हमारे आने की खुशी में डैडी ने आज फिर से लाइट्स ऑन की हुई है, दिवाली वाली। अच्छा लग रहा है घर, डैडी बहुत एक्साइटेड है। आज बहुत टाइम के बाद फैमिली, पूरी फैमिली एक साथ बैठी, एक साथ पार्टी करेगी। आज पता नहीं करेंगे या नहीं बट करेंगे, वी विल डू इट सून। देखो निक्की काम कर रही है, निक्की को लग रहा है मैं किससे बात करूँ, मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मम्मी कोई काम नहीं करती, मैं सही बोलता हूँ। देखो आज भी अंदर सास ससुर काम, क्या सास ससुर नहीं, आज भी अंदर ससुर और बहू काम कर रही है और सास अंदर प्यार से आराम से बैठी हुई है। घर के जब सब लोग एक साथ रह रहे होते हैं ना, तभी घर घर लगता है। पहले ऐसा नहीं समझ आता था बट अब समझ आता है, अगर सब एक साथ रह रहे हो घर घर है, नहीं तो वो सिर्फ एक मकान है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी हम कुछ महीने जम्मू में ही रहेंगे, यहाँ से वर्क फ्रॉम होम करेंगे और यहाँ से वीडियोस भी बनाते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। सो ये क्या ये कैमरा है, ये रिकॉर्ड करता है यादें। अच्छा, आपके जैसे हैंडसम बाल है ना, ये भी रिकॉर्ड कर रहा है। अच्छा लगा आपका हेयर कट, नया हेयर कट। क्या देखो धोजी ने तारके, भगवान तारके, और आपको भी अच्छी सेहत और खुशी।